नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा मशहूर एक्टर, राइटर, डायरेक्टर ओपी रेहलन, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। ओ पी रेहलन एक बॉलीवुड निर्माता, निर्देशक, लेखक और अभिनेता थे, जिन्होंने 1960, 1970 और 1980 के दशक में कई हिट फिल्में बनाई। ओ पी रेहलन का पूरा नाम था ओम प्रकाश रेहलन। ओ पी रेहलन का जन्म 21 अगस्त 1928 को सियालकोट, ब्रिटिश भारत, वर्तमान में पाकिस्तान में, एक समृद्ध हिंदू अरोड़ा परिवार में हुआ था। जब वो मात्र 19 वर्ष के थे तब भारत का विभाजन हुआ। उन्हें और उनके परिवार को घर, चूल्हा सब छोड़कर शरणार्थी के रूप में भारत आना पड़ा। चूंकि वो भारत आए तो उनके पास कोई पूंजी नहीं थी, अपना व्यापार भी उन्होंने खो दिया था, तब वो यहाँ पे जीविका कमाने के लिए छोटे मोटे काम करने को मजबूर थे। ओपी रेहलन को फिल्म निर्माताओं के साथ काम करने का मौका मिला। इसी दौरान कुछ और हुआ जिसने उन्हें फिल्मी दुनिया के और भी करीब पहुंचा दिया। ओपी रेहलन ने 1950 के दशक की शुरुआत से 1960 के दशक की शुरुआत तक फिल्म में छोटी भूमिका निभाई। इस समय तक उनके बहनोई एक बहुत बड़े फिल्म स्टार बन गए और उनका नाम था राजेंद्र कुमार। जी हाँ दोस्तों, उस जमाने में वो जुबली स्टार थे। राजेंद्र कुमार ने रेहलन से कहा कि वो उनके साथ फिल्म का निर्माण करे। राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा के साथ रेहलन ने अपनी पहली फिल्म गहरा दाग, जो कि 1963 में आई, इसको उन्होंने चालू किया और डिस्ट्रीब्यूटर से उनको पैसे मिल गए और ये पिक्चर उन्होंने बनाई। लेकिन ये फिल्म मध्यम रूप से चल पाई, लेकिन रेहलन ने अपने पांव फिल्म इंडस्ट्री में अच्छी तरह से जमा लिए। मीना कुमारी, शशिकला और धर्मेंद्र सहित कई कलाकारों के साथ खुद रेहलन द्वारा निर्देशित फिल्म फूल और पत्थर, जिसमें उन्हें एक सुपरस्टार बना दिया था। जी दोस्तों, धर्मेंद्र इसमें एक सुपरस्टार बन गए थे। ये फिल्म हिंदी में काफी सफल रही और तमिल में भी बनाई गई। वहां जो पिक्चर बनाई गई थी उस पिक्चर का नाम वहां रखा गया था ओली विलक्कू। इसमें वहां के स्टार रामचंद्र, जयललिता और सोवरकर जानकी ने अभिनय किया था। हालांकि उन्हें फिल्म तलाश, जो कि 1969 में आई, इसमें मुख्य कलाकार थे राजेंद्र कुमार और शर्मिला टैगोर थी, इसका निर्देशन और निर्माण किया था। ये फिल्म ओपी रेहलन के लिए एक यादगार फिल्म रही और आज भी उन्हें इस फिल्म से याद किया जाता है। ये फिल्म देखने में काफी मनोरंजक थी और अभी भी ये पिक्चर बहुत मनोरंजक है। इस फिल्म का संगीत दिया था सचिन देव बर्मन ने। इसका संगीत सुपर हिट रहा। यह अपने समय की बेहद महंगी फिल्म थी। हलचल बिना किसी गाने की एक कॉमेडी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म थी। बंदे हाथ, इसमें मुमताज और अमिताभ बच्चन ने काम किया था और ये फिल्म डबल रोल पर आधारित थी। रीता भादोड़ी, अरविंद किराड, दीना पाठक और श्री ओ पी रेहलन अभिनीत क्षेत्रीय फिल्मों में मारी भेण श्री रेहलन के द्वारा बनाई गई थी और ये पिक्चर सफल रही। इसके बाद उन्होंने बनाई पापी, एक मल्टी स्टारर फिल्म थी जिसमें सुनील दत्त, संजीव कुमार, जिनतमान, रीना रॉय, प्रेम चोपड़ा, डैनी जैसे कलाकारों की टुकड़ी थी। इसके बाद बनाई उन्होंने प्यास, एक सामाजिक विषय पर बनी ये फिल्म मुक्त कर थी। जहां दोस्तों, इस फिल्म में कोई टैक्स नहीं लगा। इसमें जो कलाकार थे वो तनुजा, जिनतमान, कवलजीत सिंह और ओपी रेहलन, इन्होंने जबरदस्त अभिनय किया था इसमें। रेहलन की उल्लेखनीय उपलब्धियों में संघर्षरत अभिनेताओं को ब्रेक देना। यहाँ दोस्तों, रेहलन जो है उस जमाने में जो भी संघर्षरत अभिनेता थे उन सबको अपनी फिल्मों में
काम देने की भरपूर कोशिश की। अपनी फिल्मों में नए अभिनेताओं को शामिल करना ये उनकी खासियत थी। उन्होंने शम्मी कपूर और रागिनी अभिनीत फिल्म मुजरिम जो कि 1958 का निर्देशन किया। उन्होंने फूल और पत्थर 1966 में बनाई जो धर्मेंद्र की पहली गोल्डन जुबली हिट बन गई। जिनत अमान को बॉलीवुड में पहली बार ओपी रहलन ने 1971 में लॉन्च किया था। फिल्म का नाम था हलचल। हालांकि ये गलत धारणा है कि देवानंद ने उन्हें हरे रामा हरे कृष्णा के साथ लॉन्च किया। रहलन ने कबीर बेदी को भी इसी फिल्म में पेश किया था। उन्होंने अमिताभ बच्चन को बंदे हाथ 1973 में उस समय कास्ट किया था जब वो एक प्रसिद्ध अभिनेता नहीं थे। वो भी रहलन की पत्नी मनोरमा अभिनेता राजेंद्र कुमार की बहन है। राजेंद्र कुमार को हम सभी जानते हैं दोस्तों, बहुत सुपरहिट फिल्म देने वाले। रहलन के कोई पुत्र नहीं था, उनके पोते अरमान उनकी बेटी रूपल्ली के बेटे हैं। इन्हें बॉलीवुड में अपने दादा की विरासत को जारी रखने के लिए अपने दादा का अंतिम नाम रहलन लिया। ओपी रहलन की प्रसिद्ध फिल्मों के नाम बता देता हूँ। मुजरिम 1958, गहरा दाग 1963, फूल और पत्थर 1966, तलाश 1969, हलचल 1971, बंधे हाथ 1973, पापी 1977, प्यास 1982। दोस्तों ओपी रहलन की कहीं कहीं पर जन्म तारीख 1925 बताया हुआ है। ओपी रहलन के बच्चे का नाम था मुनीश रिक्की ओम प्रकाश रहलन। भाई थे इनके श्याम रहलन और गोपाल रहलन। ओपी रहलन की मृत्यु 20 अप्रैल 1999 को 70 वर्ष की आयु में भारत मुंबई में हुई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।